कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र 3 दिन चला और शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां हम लोगों ने महामारी के दौरान भी 3 दिन सदन की कार्यवाही का सफलतापूर्वक संचालन किया। ये पहली विधानसभा है जहां पर सभी विधायकों और सचिवालय के कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई, साथ ही सदन के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदस्यों को दर्शक दीर्घा तक में बैठाने का प्रबंध किया गया। इसमें प्रतिपक्ष का सहयोग भी सराहनीय रहा। कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अपना सत्र आज पूरा किया। ये पहला अवसर था जब सभी विधानसभा के सदस्यों का कोरोना टेस्ट हुआ। हम पहली विधानसभा हुए जिस विधानसभा ने अपने सभी विधानसभा के सचिवालय के कर्मचारियों का भी कोरोना परीक्षण कराया। हम पहली विधानसभा है जहां संसदीय मंडप में हमने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भौतिक दूरी के सिद्धांत का अक्षरशः पालन किया। हम पहली विधानसभा हुए कि 3 दिन के अल्प अवधि के सत्र में हमने लगातार काम किया और दुर्भाग्य से हमारे ये शोक का विषय है कि हमारे 5 वर्तमान सदस्यों का हमने शोक मनाया। ये बहुत दुखद है। हमने इस अल्प अवधि के सत्र में 27 विधेयक पारित कराए। इस अल्प अवधि के सत्र में अनेक याचिकाएं प्राप्त हुई जिन्हें हमने स्वीकार किया। अल्पसूचित तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी भारी संख्या में हमने उत्तरित घोषित किए।